ये मैं पांच कार है थोड़ी यार खुदरा छोड़ दो, खुली हो जाओ आप बेचारी को, वहां लगे घबराई भी है, थोड़ा घबराई भी है, छोड़ो बेचारी घबराई भी है। इन इस्लामाबाद और समवेयर एल्स यू आर गिव मी सम फॉर द 6 मंथ्स आर यू इन इस्लामाबाद? Well, we have called the police. He'll help you. He'll contact you by the embassy. And you are in safe hands. Don't you worry. You remember his name? Yeah. His picture? Do you have anything else? Yeah. Mobile or your identity? You don't have nothing. All, you have nothing. All is there. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी मुबारक, बुध का दिन है। बात करेंगे इस्लामाबाद में बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया आज सुबह जो है। ये खबर सामने आई तो मैंने थोड़ा इसको चेक किया कि सूरत हाल है क्या, खबर आपके साथ शेयर करूँगा। अफसोसनाक खबर है, ज़ाहरी बात है ये सारी खबरें, आल दो मुझे इसमें बहुत सारे लूप होल्स नज़र आ रहे हैं। मैं इस खबर को आपके साथ शेयर करता हूँ। एक खातून है, बेल्जियम से ताल्लुक़ है, 28 साल उम्र है, और उसका ये दावा है कि मुबैना तौर पर उसको जो है कुछ अफराद ने 5 दिन से अपने पास रखा हुआ था। उसके साथ इस दौरान जो है वो ज्यादती की गई, जिनसी ज्यादती, और आज सुबह जो है उसको G6 सेक्टर में इधर करीब ही जो है और उसको बाहर फेंक कर चले गए। ये वाकया क्या है, कैसे हुआ, ये तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आगे चल के इस पर थोड़ी सी बात भी करेंगे और साथ साथ इसके क्या असरात हैं हमारे मुल्क की सियाहत और इन चीज़ों के ऊपर, उस पर भी बात करेंगे। पहले आपके साथ वाकया शेयर कर देता हूँ। जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि आज सुबह जो है नामालूम अफराद जो है वो हाथ पांव बांध कर जो है वो एक खातून को G6 के इलाके में फेंक कर चले गए। उसके बाद जी पुलिस शहरियों ने उसको देखा, जो वहाँ रहते हैं लोग, उन्होंने देखा ये खातून जो है, ये जो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स टाइप के हैं, इसके बाहर जो है वो छोड़ गए उसको। लोगों ने देखा, लोगों ने 15 पे कॉल की और पुलिस आ गई। जब पुलिस आई तो खातून को उन्होंने ज़ाहिर है उसकी रस्सियाँ वगैरह खोली, लोग उसको पानी शानी आ रेडी पिला चुके थे और उसको बिठाया चेयर के ऊपर और वह सारी सूरत हाल। तो खातून जो है उससे जब पुलिस ने पूछ गुछ की तो खातून कुछ ज़्यादा जो है वो नहीं जानती, लोग उससे उर्दू में बात करने की कोशिश कर रहे थे, बट यह है कि ज़ाहिर उसकी इंग्लिश भी पूरी है जैसे होती है। तो खातून ने बताया कि जी उसका ताल्लुक बेल्जियम से है। पता चला कि जी इस खातून की उम्र तकरीबन 28 साल के करीब है। खातून से जब पूछा गया कि हुआ क्या है, किसने आपको बांधा है, क्या मामला है, तो खातून ने कहा कि जी इस तरह कुछ लोग जो है उन्होंने पाँच रोज से मुझे घर पर रखा हुआ था एक जगह पर, और मेरे साथ उन्होंने ज़्यादती की और उसके बाद सुबह आज मुझे वो बांध के डाल गए हैं। अब उसके बाद ये हुआ जी कि खातून को जाहिर है मेडिकल चेकअप के लिए पोली क्लिनिक हॉस्पिटल साथ ही है, ये G6 के इस्लामाबाद में रहने वाले लोग जानते हैं, खातून को जो है उसमें शिफ्ट कर दिया गया ताकि उसका मेडिकल वगैरह करवाया जा सके, उसकी सारी सूरत हाल जो है वो वाजे हो सके कि जी इसका जो है वाकई इसके साथ हुआ क्या है। खातून का जो नाम है सिल्वेस्टीना बताया जा रहा है, आईडोंट नो, पता नहीं, जो लिखा हुआ आ रहा है वो यही है। अब जब खातून थोड़ी सी रिलैक्स हुई, जब उससे थोड़ा वो अपने उसमें आई, ज़ाहिर है पहले बहुत परेशान थी, जब लोग उसके आसपास जमा हुए तो वो बोल भी नहीं पा रही थी, वीडियो आप देख चुके हैं। बहरहाल जी उसके बाद खातून ने बताया कि जी मुझे बाकी तो मैं लोगों को पहचान सकती हूँ जिन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया है, अगर वो मेरे सामने आए मुझे उनके नाम नहीं पता। जब उसे पूछा गया कि यार उनमें से किसी का अगर आपको नाम याद हो तो आप हमें उसका नाम बताएं ताकि हम उसके हवाले से, तो खातून ने बताया कि जी जिस शख्स ने मेरे हाथ बांधे थे उसका नाम तमीज़ुद्दीन है, और तमीज़ुद्दीन साहब जो है वो बात खातून ये बताती है कि वो जो है उसने उसका एड्रेस भी बता दिया, इधर ही G6 के आसपास का एड्रेस था, और उसने उसका मकान नंबर और गली नंबर भी बता दिया कि वो वहाँ का रिहायशी है। अब खातून की निशानदेही के ऊपर पुलिस ने तमीज़ुद्दीन साहब को भी जाके गिरफ्तार कर लिया। तमीज़ुद्दीन को जब गिरफ़्तार किया तो उसने कहा भाई मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, ये खातून कौन है, क्या सूरत हाल है, और बल्कि उसने तो ये कहा कि तो मुझे ज़हनी मरीज़ा रख रही है, इसकी तो समझ नहीं आ रही क्या कहना चाहती है। उसके बाद जी पुलिस ज़राए अब ये बता रहे हैं कि खातून जो है वो अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रही है, कभी क्या कहती है कभी क्या कहती है। पुलिस वालों से थोड़ी बात हुई तो उन्होंने बताया, वो ये कहते हैं कि खातून के पास अपने पास कोई जो है वो कुछ शनाख्ती दस्तावेज़ात भी नहीं है, जैसे होता है ना कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई पासपोर्ट, कोई सफरी दस्तावेज़ात जिससे पता चल सके कि कौन है, कहाँ से आई है, क्या मामला है। बता दी है कि मैं बेल्जियम से हूँ। अब उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी पुलिस जो है उसने तमीज़ुद्दीन को गिरफ्तार किया, उसको मेडिकल के लिए शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल ताकि उसका भी मेडिकल करवाया जाए और उसके टेस्ट वेस्ट लिए जाएँ जो भी हैं। साथ साथ पुलिस ने जो है
ये अपारा थाना लगता है इस सारे को। तो उन्होंने जो है तमीज़ुद्दीन के घर की तलाशी भी जो है अब ली है, और वो ये चेक कर रहे हैं कि कहीं खातून के जो सफरी दस्तावेजात हैं, क्योंकि खातून ने ये दावा किया है, मुबैना तौर पे उसने इल्ज़ाम लगाया है कि इसने मुझे बांधा है और इसके घर का भी सारा मामला। तो उसके बाद जी तमीज़ुद्दीन के घर की तलाशी ले रही है ताकि पता चल सके कि इसके जो खातून के सफरी दस्तावेजात हैं कहीं इसके पास तो नहीं हैं, तमीज़ुद्दीन ने तो नहीं रखे हुए। अब ये केस जो है ये इस्लामाबाद में आज सुबह बड़ा हाईलाइट हुआ और इसका मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर उस खातून की वीडियो और उसकी तस्वीर भी सामने आई। वाकया बड़ा अफसोसनाक है जो कुछ भी उस खातून के साथ पेश आया, अगर उसके जो सामने खबर आई है, जो सामने स्टोरी है उसको देखा जाए तो ये ज़ाहिर है हमारे मुल्क के लिए और ज़ाहिर है जो टूरिज़्म को हम प्रमोट करने की बात करते हैं और उन सारी चीज़ों के लिए ये बड़ी बुरी बात है। गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि लाहौर में एक सियाह बेचारा जो आया हुआ था, गालबन जर्मनी से ताल्लुक़ था, वो सोया हुआ था सड़क के किनारे, तो उसको कुछ लोगों ने लूट लिया, उससे कैमरा, उसका लैपटॉप, उसके पैसे। वो बेचारा बैठ के रो रहा था, मैंने देखा उसकी वीडियो देखी, वो रो रहा था। वो कहता है जी मैं तो सड़क किनारे सोया हुआ था, कुछ लोग आए, उन्होंने गन पॉइंट के ऊपर मुझे लूटा और वो ले गए सारी चीज़ें। बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया गया पता चला कि माशाल्लाह इस सारे मामले में पुलिस वाले इन्वॉल्व थे और वो कुछ डॉल्फिन के या गालबन एलीट के कुछ लोग थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया और फिर उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हुई, फिर उनको मुअत्तल भी किया गया और कहा गया कि जी इनकी भी जो है नायली है और ये लोग भी सारे मामले में शामिल थे। तो इस तरह के जो वाकयात होते हैं, बताने का मकसद ये है कि ज़ाहिर है वो हमारे मुल्क के इमेज के ऊपर बड़ा बुरा असर डालते हैं। जब ये लोग चाहे वो टूरिस्ट के तौर पे यहाँ आए हुए हों या जो भी हो, आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे टिकटॉक वीडियोज़ में देखा होगा कि टूरिस्ट यहाँ आते हैं, यहाँ से जब हो के वापस जाते हैं तो वहाँ जाके वो अपनी वीडियोस बनाते हैं और फिर उनमें बताते हैं कि जब हम पाकिस्तान गए तो हमारे साथ पुलिस वालों ने ये किया, हमारे साथ लोगों ने ये किया, ये हुआ, वो हुआ, वो मतलब बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन होती है। फ्रैंकली ज़ाहिर है बदनामी है, साथ साथ ये है कि आपके मुल्क का इमेज ख़राब हो रहा है, चाहे वो इस मामले में ठीक हों या गलत, डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि जब उनके साथ ये वाक़ियात इस तरह पेश भी आए हों, लेकिन आते भी हैं। अब दोनों तरफ काम हमारा भी ठीक है, पाकिस्तानियों का भी, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम भी जब हम देखते हैं कि बाहर का कोई टूरिस्ट आया हुआ है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसके साथ जितना कोई मतलब मोस्ट ऑफ द, बिकॉज देखें एक इमेज तब बनता होता है जब मोस्ट ऑफ द पीपल वो काम कर रहे हो ना। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, हम लोग बड़े ज़बरदस्त मेहमान नवाज हैं, हम लोगों को टूरिस्ट को स्पेशल पैसे भी नहीं लेते, खाने भी खिलाते हैं, उनको स्टे भी देते हैं। बहुत सारे एरियाज़ में ऐसे हैं, ज़ाहिर सब जगह बराबर नहीं है, लेकिन जो गलत काम करने वाले उनकी तादाद तो कम है। लेकिन आपको पता है जब भी कोई गलत काम होता है तो वो हाईलाइट बहुत ज़्यादा होता है। तो सेम इज़ द केस कि जब कोई भी टूरिस्ट आता है और उसके साथ, वैसे तो अच्छे जो बड़ी अच्छी वीडियोस बना के जाते हैं, बाहर जाकर बताते हैं पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त जगह है, लोग बड़े जो है मेहमान नवाज हैं और आप जाएँ तो खूबसूरत मनाजिर हैं, लोग बड़े खूबसूरत हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपसे पेश आते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ छोटा सा कोई वाकया हो जाए ना तो वो जाके जो बाहर इमेज पेश करता है वो फिर इतना हाईलाइट करके पेश किया जाता है कि खुदा न खास्ता वो फिर मामला कहीं और चला जाता है। इस खातून के साथ ये वाकया पेश आया, मुझे तो ये थोड़ा सा इसमें ज़ाहिर है क्योंकि हम आपने देखा कि अक्सर मैं क्राइम और इसके रिलेटेड चीज़ें देख रहा होता हूँ, कर भी रहा होता हूँ वीडियोस की सूरत में, तो इस खातून का जो वाकया है मुझे थोड़ा मशकूक लग रहा है। अब इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मुझे मशकूक लग रहा है कि खातून जिस तरह बता रही है शायद उस तरह वाकया नहीं है या कुछ और ही मामला लग रहा है, मुझे थोड़ा इसमें है। मैं पुलिस वालों से भी पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश मेरी ये है कि इस मामले को प्रॉपर ज़रा पता तो चले कि कहीं मसला कोई और था और उसको कोई और करके बयान किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट आएगी, जो भी चीज़ सामने आएगी वो कोशिश करूँगा आपको ज़रूर बताऊँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामला कुछ और था और फिर हमारे मुल्क की बदनामी और ये सारी, तो इस खातून को पकड़ा जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला तो फिर इस खातून को भी पकड़ा जाना चाहिए और इससे भी पूछा जाना चाहिए। वैसे तो तमीज़ुद्दीन गिरफ़्तार है और पता नहीं और कितने इसके साथ गिरफ़्तार होंगे जो इस मामले में शामिल थे या जिनके हवाले से वो तमीज़ुद्दीन बताएगा या खातून बताएगी, तो वो पकड़े जाएंगे। जिन्होंने ये घिनौनी कार्रवाई की है ज़ाहिर है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए और उनको भी खूब जो है पुलिस वालों को भी चाहिए कि अपने तरीके से ज़रा उनसे बात करें, पूछें उनसे ताकि जिन लोगों ने ये काम किया उनको। तो ये एक स्टोरी थी आज के दिन में बड़ी अफसोसनाक, बल्कि मैं आज पढ़ रहा था आज शहजाद टाउन थाने के इलाके में भी एक बेचारा लड़का घर पे सोया हुआ था, डाकू अंदर घुसे कल रात, उसने आगे से रिजिस्ट किया, उन्होंने गोली मार दी। आज सुबह एहतजाज था त्रामड़ी चौक के ऊपर और वहाँ पे उन्होंने शहजाद टाउन थाने के ख़िलाफ़ एहतजाज किया कि जी ये लोग हमें तहफ़ देने में नाकाम है। तो उन्होंने लाश रखी हुई थी, एहतजाज कर रहे थे, रोड ब्लॉक किया हुआ था। ये वो डे टू डे अफेयर्स हैं जो आपको रोज़ देखने को मिलते हैं
کہ کہاں کہیں کسی کو گولی مار کے مار دیا جاتا ہے، کہیں پولیس والے زیادتی کر دیتے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کر ہو رہا ہوتا ہے، کہیں کیا ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ چیزیں تھیں جی اسلام آباد وفاقی دارالحکومت سے، کہیں اور سے نہیں۔ میں نے کہا ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ یہ سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ جو ہے سب کے اپنا رحم مکرم کرے، اللہ سب کو حامی و ناصر ہو، اللہ جو ہے وہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، لیکن بشرط زندگی۔ اجازت دیں جی، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔